मुरादाबाद महानगर में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत शहर का सौंदर्यकरण कराने के लिए बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। मुरादाबाद शहर के कई इलाकों में सड़कों के चौड़ीकरण में बाधा उत्पन्न कर रही दुकानों को हटाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश का व्यापारी विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। मुरादाबाद महानगर के सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर बड़े स्तर पर अभियान भी चलाया जा रहा है। नल और नालियों पर रखी गई दुकानों को भी हटाया जा रहा है। बुद्ध बाजार चौराहे से लेकर ताड़ीखाना चौराहे तक दुकानों को कई फीट हटाने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके बाद व्यापारी विरोध कर रहे हैं। एक बैठक कर व्यापारियों का कहना था कि कई वर्षों से हम यहां पर अपना रोजगार कर रहे हैं, जिसके बाद नगर आयुक्त और स्मार्ट सिटी योजना के अधिकारियों ने निरीक्षण किया और सभी बातों को विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास किया गया और यह कहा गया कि इन समस्याओं को मंडल आयुक्त के सामने रखा जाएगा, जो उचित होगा वही निर्णय लिया जाएगा। इस दौरान क्षेत्रीय पार्षद ने अपने व्यापारी साथियों को हर संभव मदद देने के लिए कहा और यह कहा कि हर संभव व्यापारियों की मदद की जाए। ये व्यापारी कई वर्षों से यहां पर कार्य कर रहे हैं। पार्षद का यह भी कहना था कि हम इन व्यापारियों की समस्याओं को लेकर मंडल आयुक्त से बातचीत करेंगे और हमारा प्रयास भी यही है कि क्षेत्र में विकास कार्य हो मगर किसी भी व्यापारी को परेशानी ना हो। सर्वप्रथम मैं स्पष्ट कर दूं, अतिक्रमण हटाओ अभियान नहीं है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत स्मार्ट रोड बनाने का काम चल रहा है, जो बुद्ध विहार में चला है और अब GMD रोड में आने आ। व्यापारियों की अपनी समस्याएं हैं। प्रशासन ने जो स्मार्ट सिटी के लोग हैं उन्होंने जो निशान लगाए हैं इनकी दुकानों में अंदर तक निशान लगा दिए हैं। 50-50 साल से 70-70 साल से ये लोग अपनी अपनी दुकानों पर कारोबार कर रहे हैं और उसी स्थिति में कर रहे हैं जिस स्थिति में ये बैठे हुए हैं। आज समन्वय बनाने की बातचीत बीच में हो रही है। शासन और व्यापारियों में टकराव ना हो, कोई भी टकराव ना हो। भारतीय जनता पार्टी महापौर विधायक भारतीय जनता पार्टी का एक पार्षद सब व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हम सब इस स्थिति में बातचीत करने की आ गए हैं। बातचीत हो रही है कमिश्नर साहब से कि जो सहमति बने, जो व्यापारी चाहेंगे इनकी सहमति के अनुसार कार्य इस रोड पर किया जाए ना। कितनी जगह हटाने की सहमति बन रही है, कितनी जगह छोड़ने की सहमति बन रही है? अभी कोई सहमति नहीं बनी है, अभी बातचीत चल रही है। विधायक जी आ जाएंगे, शहर में नहीं है, महापौर जी से बात हो रही है। दोनों लोग और जनप्रतिनिधि जी जितने व्यापारी हैं इनके बीच के प्रतिनिधि जाके टेबल पे बैठ के कमिश्नर साहब से, नगर आयुक्त जी से, जो स्मार्ट सिटी के CEO हैं उनसे बैठ के बातचीत होगी। तो आज की रणनीति में क्या फल मतलब निकलने वाला निर्णय अभी जब तक बातचीत नहीं आएगी तब तक इस रोड पे कोई काम नहीं होगा। जैसे आज नगर आयुक्त ने क्षेत्र में दौरा करा था तो उस पर क्या नगर आयुक्त ने दौरा करा, वो अपनी रिपोर्ट देंगे। हम लोग बातचीत इसीलिए बैठे हुए हैं, बातचीत करके वहाँ से महापौर जी ने कह दिया है जब तक वार्ता नहीं आएगी तब तक कोई काम इस रोड पर नहीं होगा। जो स्मार्ट सिटी की योजना चल रही है वो बिल्कुल सुनियोजित तरीके से नहीं चल रही। व्यापारियों की राय लेके काम नहीं हो रहा। अपनी मनमर्जी से दफ्तर में बैठ के नक्शे बनाए जा रहे हैं, व्यापारियों से पूछा नहीं जा रहा कि आपकी क्या परेशानी है। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी ऐसा काम करा जाए तो व्यापारियों से वार्तालाप करके उनकी सहमति लेके काम करा जाए। इसकी वजह से अधिकारी सारे शहर के व्यापारी बहुत आक्रोश है। अधिकारी कहते हैं शासन की नीति है, शासन का आदेश है। अधिकारी एक्चुअली हमें भ्रमित कर रहे हैं। शासन ने जो नीति बनाई है उसके बारे में हम तक कभी डिस्कस नहीं करा गया, हमें खोल के बताया नहीं गया कि क्या उनकी योजना है। इसलिए जब तक हमसे बात नहीं करी जाएगी हम शासन की बात उनकी कैसे मान लें। तो कहीं ना कहीं जो ये हमारे अधिकारी हैं शायद हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। काम करें क्या अभी तक नक्शा उक्शा दिखाया कितना क्या? कोई नक्शा आज तक हमें दिखाया नहीं गया और स्मार्ट सिटी का जितना काम है उसमें कितना खर्चा है हमें बताया नहीं गया। पूरी एकदम फुल भ्रष्टाचार चल रहा है और इसकी भी जांच होनी चाहिए। सारे शहर के व्यापारी चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी में जो काम हुआ है वो सब के सब पब्लिकली बताना चाहिए कि हमने कितना रुपया खर्च किया। आपका क्या कहना है? मेरा कहना अब यह है, निष्कर्ष के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ सभी व्यापारी भाइयों को भी बताना चाहता हूँ कि अब जो हमारा आगे से जो रणनीति बननी है वो हमारे माननीय विधायक जी और माननीय महापौर साहब उन दोनों को साथ लेके और सारे व्यापारियों के प्रतिनिधि भी बैठेंगे और कमिश्नर साहब से भी यही बात हुई है। कमिश्नर साहब का भी आज मेरे जानकारी के लिए आया था फोन कि उनके दोबारा व्यापारियों के साथ बैठा जाएगा, वार्ता की जाएगी, सब अधिकारी बैठेंगे, व्यापारी प्रतिनिधि बैठेंगे, विधायक जी बैठेंगे और महापौर बैठेंगे। उसके बाद जो दोबारा से रणनीति तय होगी उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। उससे पहले कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की। आज नगर आयुक्त स्मार्ट सिटी के अधिकारी क्या मतलब नगर आयुक्त महोदय और अपर नगर आयुक्त महोदय अतुल जी और दिव्यांशु पटेल जी और चीफ इंजीनियर अनिल मित्तल जी ये सब आए थे। उन्होंने आगे पूरे शहर का भ्रमण किया, इस पूरी GMD रोड का भ्रमण किया। उसके बाद यही तय किया गया कि दोबारा से व्यापारियों के साथ समन्वय बनाने के लिए, सामंजस्य बनाने के लिए व्यापारियों के साथ बैठा जाएगा और उससे पहले कुछ भी तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की।